राम राम जी सारे ने, मैं रणबीर धनखड़ भाई और आप देख रहे हो ये हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज ये सेक्टर 28 के अंदर है। यहाँ पे बता दूं कि ये भोले बाबा का पार्क है और भोले बाबा का ही भंडारा है और जो भंडारा लगाया जा रहा है जो समस्त जो सेक्टर वासी हैं सेक्टर 28 से उनके द्वारा ये भंडारा लगाया जा रहा है। जो मैंने जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार हर साल यहाँ पे भंडारा लगाया जाता है और महिलाओं के लिए एक सांस्कृतिक का प्रोग्राम भी यहाँ पे चल रहा भंडारा। इधर आप देखेंगे व्यवस्था दूर तक आप देखो कि प्रसाद लेने वालों की आप भीड़ देखिए किस तरह से स्वयं सेवक जुटे हुए हैं और इधर जगह की कमी होने के बाद में यहाँ पार्क के अंदर भी प्रसाद लेने की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे ये प्रसाद बनाया जा रहा है। और आपको बता दूं ये हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं जो इस भंडारे के मुख्य आयोजक हैं सर जी। राम राम सर, ये है हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। तो आपने जो मैं जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार के ये हर साल भंडारा लाया जा रहा है भोले बाबा की दया से। हर साल भंडारा होता है, वार्षिक भंडारा होता है। मालपुड़ा खीर और जो है आलू की सब्जी और पूरियाँ और बाकी सब चलता है जो भी भगजन है। ये सभी के सहयोग से पूरे सेक्टर वासियों के सहयोग पूरे सेक्टर वासियों से। ये हमारे त्रिपाठी जी हैं, ये भी हमारे सहयोगी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं जरा एक बार सर, इस भंडारे के आयोजन का मकसद जो है अपनी संस्कृति को सजोए रखना है, हमें भगवान में आस्था रखनी है। मैं आपको बता दूं ये चैनल भी हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब है। अच्छा, तो ये हमने अपनी संस्कृति बनाए रखना है। भोले बाबा का जो सामान का भंडारा हर साल करते हैं, हमारे खासा साहब और भी सारे मिलकर करते हैं और जो भगवान में आस्था बनी रहे लोगों का जो है भूख मिटे। सबसे बड़ी बात भोले बाबा का प्रसाद लें, ठीक है ना जी। इससे जो है अपनी संस्कृति अपनी धर्म अपना वो बचा रहे। सर एक चीज मैंने यहाँ विशेष तौर पर नोट की कि भंडारों के अंदर नॉर्मली क्या थर्मोकोल की प्लेट और ग्लासेज का यूज किया जाता है, उसे क्या होता है पर्यावरण दूषित होता है, बगा के चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने देखा पूरा स्टील की क्रॉकरी का स्टील के हम गुरुद्वारे से ले आते हैं, किराए पे लाते हैं, यहाँ साफ करवा के फिर गुरुद्वारे भेज देते हैं। हर साल हमारा यही होता है क्योंकि जो है क्रॉकरी अगर उसकी आती है पॉलीथीन की जो भी वो जो है पोल्यूशन फैलाता है इधर उधर, वो जलाया भी नहीं जाता। इस करके जो हमने जो है गुरुद्वारे से हम सहयोग लेते हैं, गुरुद्वारे से हम किराए पे लाते हैं। तो हम साफ सफाई भी हम ही खुद करवाते हैं, अभी हुड्डा इस पर कोई ध्यान नहीं देता, हमारे अपने बंदे लगा के पैसे लगा के हम साफ करवाते हैं। सारा जो है कांग्रेस गार्ड जो है ये कटवाना चाहिए हमारे सेक्टर के। देखो इतने कम से कम यहाँ पे 1000 लोग खाते हैं हर साल, 1000 आदमी से ऊपर खाते हैं सारे जो हम सबको जो भी आए गरीब अमीर सब जो है जमीन पर बैठ के खाते, कोई किसी के लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं है, कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, सारे नीचे जमीन पर बैठे खाए, छोटा बड़ा गरीब सब एक जो है समान। तो ये थी एक विशेष रिपोर्ट सेक्टर 28 पंचकुला से भोले बाबा का जो पार्क है यहाँ से जो भंडारा लगा हुआ है इसकी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार फिर सारे दर्शकों को हाथ जोड़ करके राम राम भाई।